बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अमरवाड़ा विधायक कैसा हो, देवर मैया जैसा हो। अमरवाड़ा विधायक कैसा हो, देवर मैया जैसा हो। देव रामण भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देव रामण भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देव रामण भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमरवाड़ा विधायक कैसा हो, देव रामण भैया कैसा हो। सम्मानीय साथियों, जैसा कि आपने देखा, और पकड़ो मोबाइल, आज मैं जब अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर तमाम हमारे सयाने बुजुर्गों के साथ मिलकर जिस तरीके से अमरवाड़ा विधानसभा में काम चल रहा है, ये जो माहौल है, इस माहौल से बीजेपी और कांग्रेस के लोग अपनी जगह पे कांपने लगे हैं। सम्मानीय साथियों, आज यही कहर गुणवाना का जो हम सब लोगों ने मिलकर अमरवाड़ा के अंदर बनाया है, इससे बीजेपी और कांग्रेस के पैर के नीचे की जमीन खिसकने लगी है। और इसी बात का गुस्सा निकालते हुए ये बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र बनाकर मेरे खिलाफ सिंगोड़ी और कई जगह बजरंग दल के माध्यम से FIR दर्ज कराने की कोशिश की। और मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि देव रावण भलावी के ऊपर FIR दर्ज कराए करके ये बजरंग दल के कुछ लोग बीजेपी और कांग्रेस से पैसे लेकर जगह जगह हमने देखा कि आज उन्होंने आवेदन दिया। उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आपने और बजरंग दल के जो लोगों ने एक शब्द बोला था कि ये देव रावण वही बट्टी जी जैसा काम कर रहा है और बट्टी जी के पद चिन्हों पे चल के फलाने धर्म के लोगों को ये ठेस पहुंच रहा है। तो बताना चाहता हूँ कि अमरवाड़ा के अंदर उन्हीं बट्टी दादा का मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। तो बीजेपी से हम ये बात बताना चाहते हैं कि आज बीजेपी के लोग अपने बैनर और पोस्टर में आज सभी लोगों की वोट लेने के लिए बट्टी जी का फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों को जब बट्टी जी से इतना ही दिक्कत है, उनकी विचारधारा से, उनके काम से इतनी अगर नफरत है, तो भाजपा के लोगों के पोस्टर में बट्टी जी की फोटो क्यों है भैया? क्या बट्टी जी भाजपा के कार्यकर्ता थे या भाजपा के लोगों ने गुंडवाना ज्वाइन कर लिया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज के समय में ये भाजपा के लोग जो है इस तरीके से सतरंगी झंडे लगा के प्रचार कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि ये झंडा मात्र उनके चुनाव और वोट मांगने तक के लिए है। जब चुनाव निकल जाएगा तो ये ना पीला गमछा डालेंगे, ना ये झंडे लगाएंगे सतरंगी, और ना इनके जवान से जय सेवा जय भीम निकलने वाला। साथियों, ये लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए हम तमाम जनता जनार्दन को, यहाँ के मूल निवासी और बहुजन साथियों को बरगलाने और भटकाने का काम अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। इनको और बताना चाहते हैं, अभी मात्र शुरुआत है। आज देखिए रात के 10-11 बज चुके हैं, लेकिन आज हम सभी लोग एकत्रित होकर, भारी जन समर्थन हमें मिल रहा है, एकत्रित होकर हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के लोगों को पुनः बताना चाहते हैं, आप करवा दीजिए FIR। हम जेल से और इन FIR से डरने वाले लोग नहीं है। हम काम करके अमरवाड़ा के अंदर रावण जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। रावण जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। सम्मानीय साथियों, आज ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग आज पीला गमछा डाल के, नीला गमछा डाल के वोट मांगने पे मजबूर है, लेकिन ये कभी भी जो है इन गमछाओं का कभी सम्मान नहीं करते। ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए आए हैं। इसलिए साथियों, आइए हमारे बीच में और वरिष्ठ जन जो अपनी बात रखेंगे और सभी की बात सुनते हुए आज के इस सभा को हम संबोधित करेंगे। दादा, ये बीजेपी के लोगों का जो षड्यंत्र इतना चल रहा है, दादा इतना जन समर्थन आप देखिए, कितने सारे युवा शक्ति हमारे बीच में है, और आज इन्हीं का ये डर है भाजपा के लोगों को, बजरंग दल और RSS के लोग आज हमारे लोगों को जो है डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम इस विधानसभा को जीतने वाले। इस संबंध में आप भी बोलिए। देवरान भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवरान भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवरान भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवरामण भैया का मिशन देखकर आज भाजपा कांग्रेस को सिद्ध हो गया कि डरने लगी। आज देवरामण भैया के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने एकजुट होकर, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने देवरामण भैया का 5 साल पुराना वीडियो
जो पुराने की काट छांट कर कर दुरुपयोग कर कर वो वीडियो को बनाकर देवरामल भलावी को बदनाम करने के लिए कि हिंदू विरोधी है और उनने हिंदू धर्म को गलत बोला है करके, तो आज डर गई है वो भाजपा और कांग्रेस के लोग देवरामल के खिलाफ आज अमरवाड़ा में ज्ञापन सौंपकर मामला दर्ज कराने के और जेल पहुंचाने की उनने मांग करे। क्यों मांग करे? ऐसे बट्टी जी भी पहले लड़ते थे चुनाव, तो बट्टी जी को उनने जेल पहुंचाए थे और पूरा आदिवासी समाज ने जेल से ढोल बाजा लेके आए थे और बट्टी जी को विधायक बनाए थे। और आज भाजपा वाले अगर मान लो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाते हैं, विधायक आपने देखे होंगे बड़े बड़े, तो अपना गमछा उतार कर घर जाते हैं, तो कमलनाथ को भी गमछा उतार के भाजपा में चले जाते हैं। भाजपा वाले कांग्रेस में जाते हैं तो भाजपा वाला गमछा छोड़कर कांग्रेस में जाता है। यहाँ गोंडमाना के पीले वाले गमछा के ले जाके गोंडमाना के हमारे महापुरुष स्वर्गीय मनमोहन साहब भट्टी जी के नाम से और फ्लेक्स बोर्ड लगाकर जो आदिवासी समाज के लोगों को चूतिया बनाकर जो वोट लेने के भाजपा काम कर रही है, उनकी रणनीति फेल होगी। ये आदिवासी समाज ने ठान लिया है, ये आदिवासी समाज ठान लिया है भट्टी जी के कहने, भट्टी जी की फोटो लगाकर। और भाजपा के लोग वही भाजपा थी कि जो मनमोहन साहब भट्टी जी को जिंदा जलाने की बात करती थी, वही भाजपा है जहां मनमोहन साहब भट्टी चिराई हॉस्पिटल में भर्ती थे और वही चिराई हॉस्पिटल में शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर भर्ती था, और वहीं पर यह पता लगा था कि शिवराज सिंह चौहान ने हमारे भट्टी जी की हत्या करा दी। सारे आदिवासी को पता था कि भाजपा की गवर्नमेंट के रहते हुए हमारे भट्टी जी की हत्या की गई, उसकी सीबीआई की जांच की गई। लेकिन आज मुझे बताइए, वही भाजपा मनमोहन साहब भट्टी जी की फोटो लगाकर इस विधानसभा में तरना चाहती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मोनिका भट्टी भाजपा में नहीं गई, भाजपा गोंडमाना में आ गई है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है आपको? लगता है कि भाजपा गोंडमाना में आ गई है। आज भाजपा डर चुकी है पूरे मध्य प्रदेश में। जब भाजपा इतनी योजना चला रही है तो भट्टी जी की फोटो लगाकर वो तरना क्यों चाह रही है, यह हमारा सवाल है, क्वेश्चन है। जब भाजपा इतनी काम करती है, भाजपा के इतने महापुरुष लोग हैं कि सुंदरलाल पटवा से लगा के लाल कैसे अडवाणी से लगाकर, कोई भाजपा के महापुरुष हमारा भट्टी नहीं था। भट्टी जी महापुरुषों की विचारधारा में चलने वाले लोग भाजपा से और कांग्रेस से तोड़कर हमारे समाज के लोगों को जगाने का काम किए थे। आज बताइए कि वो भाजपा वाले मनमोहन साहब भट्टी जी की फोटो लगाकर और पीला गमछा डालकर और जय सेवा बोलकर और जय श्री राम बोलकर वो हमारे समाज के लोगों को वोट लेने का काम कर रहे साथियों। लेकिन आने वाला समय ऐसा है कि मनमोहन साहब भट्टी जी की विचारधारा और हीरा सिंह दादा की विचारधारा को बचाने के लिए आज देवरामल भलावी जी अमरवाड़ा विधानसभा में आज तीसरी पार्टी की तर्ज में अकेले दम से और आप लोगों के सपोर्ट से कांग्रेस और भाजपा डर चुकी है, जिसको ये प्रमाणित सबूत आज नजर आया। बिल्कुल, अब की चोट करारी है, अब की चोट करारी है। अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे कि ये कितना FIR दर्ज कर दे। देवरामल भलावी जी समाज के लिए जेल जाना पसंद करता है। आपने देखे भी होंगे कि देवरामल के ऊपर 25 से 40 केस है। और आज हमारी बेटी की शादी हो रही थी, किसी को लात मार दिए थे, 25 दिन जेल में रहा। आज भाई की लड़े कोई जेल नहीं जाता। ऐसा देवरामल भलावी जो है कि समाज के लिए अपने ऊपर केस बनवा कर समाज के लिए जेल जाना पसंद करता, लेकिन झुकना पसंद नहीं करता। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जैसे जितने भी गोंडमाना के लोग खड़े हुए हैं आज अमरवाड़ा में, ये भाजपा और कांग्रेस के दलाल और चाटुकर्ता लोग हैं, और जितने गोंडमाना लोगों को जो कांग्रेस और भाजपा के काम कर रहे हैं, जैसे दादाजी की बात याद आ गई मेरे को, हमारे दुधिया प्रसाद भलावी जी की, जो कहते थे कि तीतर जो होता है बटेर जो हमारी समाज में पालते हैं, जो पकड़ने जाते हैं, वही तीतर की तरह भाजपा और कांग्रेस के लोग गाली लेके आ रहे हैं हमारे समाज में कि जे विधायक और मंत्री हमारे समाज के लोगों को गाली दिया गया, हमारा समाज इकट्ठा हो जाता है और हमारे समाज के लोगों से वोट लेकर वही तीतर को उतार देते हैं गाली लेकर, जब उनकी बहन बेटी के इलाज के लिए अगर भाई गाली नहीं मिलती वो छकड़ा और बैल से ले जाते हैं। आज वो कांग्रेस और भाजपा की गाड़ी में घूम तो रहे, प्रचार तो कर रहे हमारे समाज के लोगों को वोट मांगने के लिए। आज हमारे समाज के लोगों को ST ST लोगों को गाड़ी दिया गया है, झंडा दिया गया है, पैनर दिया गया है कि जाइए आप आदिवासी समाज में प्रचार करो,
जे गाड़ी ले जाओ और जे सब ले जाओ, भाजपा कांग्रेस के लोग उन वो चाहते हैं, ये भूल गए हमारा समाज। जिस दिन वोटिंग खत्म होगी गाड़ी छोड़ा लिया जाएगा और उनकी बहन बेटी जब इलाज होगी तो मोटरसाइकिल नजर नहीं आएगी, अस्पताल में डॉक्टर नजर नहीं आता, थाना में पुलिस नजर नहीं आती और भाजपा कांग्रेस नजर नहीं आती है। इन लोगों को हमको समझाना है साथियों। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि ऐसे ही फर्स्ट बार बट्टी जी के ऊपर भी जब शुरू बार चुनाव लड़े थे, बट्टी जी के ऊपर 8 मामला बने थे और बट्टी जी को भी जेल पहुंचाया गया था और बट्टी जी को भी जेल से ढोल बाजा से लाया गया था और बट्टी जी पहली बार चुनाव जीत के थे और पहली बार जब चुनाव जीते थे भारी भतों से कांग्रेस और भाजपा के छक्का छोड़ा दिए थे। आज वही विश्वास पूरे विधानसभा में नजर आ रहा है कि देव रामण भला भी अच्छी से अच्छी वोटों से भारी बहुमतों से भाजपा कांग्रेस हाथ मलते रह जाएगी और देव रामण भला भी इस विधानसभा से चुनाव जीत कर निकल जाएगा, ये कहीं डर है उनको, इसलिए रोकने अभी हम आ रहे थे, एक भाजपा की गाड़ी आज बीच रोड में खड़ी कर दी है, हमारा डीजे नहीं निकलने दिया। हम अभी आ रहे थे कौन से गाँव में, धनोरा में, बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर दी है, उनने गाड़ी निकलने नहीं दिया। आज देवरामण की गाड़ी को कपिला रोका गया, आज डीजे की गाड़ी को कपिला रोका गया। अरे तुम कहाँ कहाँ रोकोगे और रोक भी कौन रहा है? हमारे समाज के लोग जो दलाल बैठे हुए, मैंने उनसे कहा कि साथियों तुम हमारा भाई है, हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, लेकिन जिसके कहने पर तुम जो ये गद्दारी कर रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी वो देव रामण भला भी खड़ा होगा अस्पताल और थाना में, कांग्रेस और भाजपा खड़ी नहीं होगी। ये बात को ध्यान रखो आप, और आप 24 घंटा अमरवाड़ा आते हैं और मेरे को भी पता है, मैं मनमोहन सिंह भट्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया हूँ। तू आज गाँव में बोलेगा लेकिन अमरवाड़ा में तेरे को जहाँ भी मिले तो वहाँ मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात को ध्यान रखना। हम बाबा साहब के लोग, कानून के मानने वाले लोग हैं, हम जरूरत पड़े तो शस्त्र उठाना भी जानते हैं, जरूरत पड़े तो कानून भी पढ़े हैं, तो कानून में कोर्ट में लड़ना जानते हैं, कचहरी में लड़ना जानते हैं, लेकिन पहले हम मनमोहन सिंह भट्टी और स्वर्गीय हो हीरा सिंह दादा ने हमें सिखाए हैं कि कोई अगर सामने वाला अगर उत्तेजित होता है तो पहले हाथ जोड़कर बात करिए, अगर बात से नहीं मानता है तो लाश से बात करिए, और लाश से नहीं मानता है तो फिर कानून से बात करिए। ये तीन चीज हमको मनमोहन सिंह भट्टी और स्वर्गीय हीरा सिंह दादा ने हमें सिखाया है। सम्मानित साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो 11-12 बजे तक आप देव रामण भलावी जी के कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे, वही ऊर्जा मैं देख रहा हूँ मनमोहन सिंह भट्टी जी के साथ, जो कि उस समय में जब पहली बार चुनाव लड़े थे, गांव गांव में रात रात भर हमारा आदिवासी समाज भूखा प्यासा और अपने पास के पैसे लगाकर चुनाव प्रचार किए और मनमोहन सिंह भट्टी को जिता कर लाए थे। लेकिन मुझे विश्वास है कि भाजपा और कांग्रेस के लोग पांच साल कोई आदिवासी से कोई भ्रष्टाचार तो कर लेता, 5 साल कोई किसी से पैसे तो ले लेता है, लेकिन कोई 5 साल में भट्टी जी के रहते हुए आदिवासी के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, ये मैं देख के आंखी से देखने वाला। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह भट्टी जी की जो विचारधारा है, हीरा सिंह दादा की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हमें आगे विधानसभा में बचाना है, इसलिए देव रामण भला भी इस विधानसभा में आए हैं। आप लोग कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, देव रामण भला भी आपको जब जरूरत पड़े थाना कोर्ट कचेरी आपकी कोई भी मुसीबत में, सिर्फ देव रामण भला भी फोन लगाना, और देव रामण भला भी फोन ना लगे तो दुर्गा वंशकार को लगाना, और दुर्गा वंशकार को नहीं लगे तो दुधिया प्रसाद जी को लगाना। आप और हम जो पहले रोड में लड़ते आए हैं, आगे भी रोड में लड़कर हमारे समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग आए हैं देव रामण भला जी के समर्थन में। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय सेवा, जय भीम, जय संविधान। साथियों, यही चीजें आपको एक बात और इसमें जोड़कर बताते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने हमारे ही वोट काटने के लिए कुछ लोगों को गुंडवाना के नाम से खड़े किए हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है, क्योंकि आपने भी देखा था कि जिस समय दादा मनमोहन सिंह भट्टी जी चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी कुछ लोगों को बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने पैसे देकर भट्टी जी की वोट काटने के लिए खड़े किए थे, वही रणनीति आज बीजेपी और कांग्रेस चल रही है। साथियों, हम मिलके इनसे मुकाबला करेंगे, आने वाले समय में हम युवाओं का काफिला ये बीजेपी कांग्रेस को अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर से उखाड़ के फेंकेंगे, और आने वाले समय में जनपद भी हमारा होगा, जिला पंचायत भी हमारा होगा, जनपद अध्यक्ष भी हमारा होगा और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा होगा। मेरे साथियों, आने वाले समय में सब जगह सभी सीटों में हम लोग मिलजुल के
आने वाले समय में राज करने का काम करेंगे, साथ ही राज करने का काम करेंगे। तो दादा और कुछ अपने विचार आप बोलना? हाँ हाँ, आजाद भाई, आजाद भाई, सभी को जय भीम, जय जोहार, जय भीम। शारीरिक लड़ाई गाय के मूत पीने वाले और गाय के दूध पीने वालों के बीच में है। बिल्कुल, लोग गाय का दूध पीते हैं और हमारे विरोधी लोग जो है वो गाय का, मनुवादी लोग गाय का मूत पीते हैं, उनके पास वही दिमाग रहता है। हमारे लोग गाय का दूध पीते हैं इसलिए उनमें दिमाग होता है। एक जानवर के बच्चे में भी दिमाग होता है, वो अपनी माँ का दूध पीता है, मूत नहीं पीता है। हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा साथ कौन दे सकता है। हमारा साथ अगर कोई दे सकता है तो वो है देवरावन भला भी, जो आज न विधायक है न किसी पद में है, तो अभी सड़कों पर हमारे लिए लड़ता है, और जिस दिन विधायक बन जाएगा तो हमारे लिए विधानसभा में भी लड़ेगा। आने वाले विधानसभा में के चुनाव में मेरी आप सभी से अपील है कि आप देवरावन भलावी को ब्लैक बोर्ड पर बटन दबाकर भारी बहुमतों से विजय बनाए। जय भीम, जय जोहार, जय भीम। भलावी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भलावी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। सम्मानीय साथियों, अभी वीडियो लगभग फेसबुक के अंदर 93 लोग हमें लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, जिन्होंने आप सभी के चेहरा देख रहे हैं, आप सभी के विचार सुन रहे हैं। और कोई साथी अगर विचार रखना चाहता है तो जरूर बोल सकते हैं। नहीं, हमारे दादाजी बोलेंगे। हाँ दादाजी, आप दादाजी, आप अपील करें, आप कोई बात नहीं, थोड़ी सी आप अपील करें लोगों से, वोट के लिए अपील करें। की उम्र में भी मूवमेंट को बचाने के लिए ये दो महापुरुष हमारे साथ में, इस बात को देखिए। जी जी जी, आप अपील करें दादाजी लोगों से। आदरणीय साथियों, आप सबको मेरी ओर से जय सेवा, जय भीम, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। साथियों, आपने देखा होगा पेनवासी दादा अपने मनमोहन साय जी, दादा हीरा सिंह जी, जो विचार क्रांति अपने इस विधानसभा में मध्य प्रदेश में लाए, इसी तरह हमारा भाई कहना चाहिए, जिन्होंने देवरावन भलावी जी विचार क्रांति लाना चाहते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि देवरावन भलावी जी के चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड तीसरे नंबर का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे, यही आपसे अपेक्षा निवेदन है। बस जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। साथियों, और दादा आप भी कुछ अपील करें, दो विचार आप भी रखें। जी 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 जी, आज काफी समय हो चुका है और हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। भाई आप कुछ बात रखें, सुनो भाई। सभी साथियों को सेवा जोहार। दादा, हमारे देवरावन भलावी जी जो लगातार युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, तामी ब्लॉक में अक्सर जब भी कोई अन्य अत्याचार होते हैं तो 24 घंटा हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारवाड़ा विधानसभा से विधायक के रूप में देखना चाहेंगे। जी जी जी। साथी, युवा साथी एकत्रित होकर हम लोग काम कर रहे हैं सभी क्षेत्र में। ऐसा लगता है कि इस बार अपन विधायक तो बन ही लेंगे, ऐसा लग रहा है सभी लोगों से। 100% और कोई साथी अपने विचार रखना चाहे तो रख सकते हैं, आज खुला मंच है, क्योंकि ये लोग FIR दर्ज कर रहे हैं। कल FIR दर्ज करके कहने भैया डरन वाले नहीं है, बहुत जेल में भी रह ले, FIR भी झेल ले, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन भट्टी जी को जिस पार्टी ने मारी है, जो हत्यारी पार्टी है, उसको वोट नहीं देंगे, और न ही कांग्रेस को वोट देंगे, जिनने 70-75 साल से हम लोगों को और गरीब बनाने का काम किया। ऐसी पार्टियों को भी समरवाड़ा विधानसभा के अंदर से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ध्यान आ गया मेरे को, आज भाजपा कांग्रेस के लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जितने भी मध्य प्रदेश में आदिवासी है जी, इनको ₹1,000 देखे कि हम वोट ले। लाडली बहना, ढोलक मंजीरा करना चाहता हूँ ST SC OBC और पिछड़ा वर्ग के भाइयों से और अल्पसंख्या से भाइयों से, कि उस समय में जब मध्य प्रदेश में सरकार 20 साल हो गए भाजपा की है, और भाजपा की सरकार आने के पहले ₹450 गैस सिलेंडर था जी, ₹450 गैस सिलेंडर को धीरे धीरे बढ़ाकर इनने ₹1,200 सिलेंडर कर दिए, मतलब 450 से ₹750 प्रति महीना हम गरीब भाइयों से सामान्य शिवराज सिंह चौहान ने लूटा। 15 साल लूटा उन्होंने। आज अगर हम अपने बच्चों के नाम से ₹500 महीना भी हम जमा करते
तो साल भर के 12 महीने के कितने होते हैं 6000 रुपए सालाना। 15 साल जोड़ी आपके कितने पैसा हो रहे हैं, 15 साल में अगर घुड़ा लगाए तो 2.5 से 3 लाख प्रत्येक घर ST SC OBC के भाइयों से लूटे। बिल्कुल सिलेंडर में, और हमारी बहन को 1000 रुपए दे रहा है, 2.5 लाख लूट के 1000 रुपए हमारी बहन के दे रहा है। ढाई लाख बात अगर हम करें तो तेल 70 रुपए लीटर था पहले, दाल 60 रुपए लीटर थी, वही तुअर की दाल हमने 180 रुपए किलो खाए, वही तेल हमने 170 और 80 रुपए लीटर खाए। तो जिस युवराज सिंह चौहान जी ये नहीं बताते कि हमने दाल डबल में बेचे, पेट्रोल 50 रुपए था तो 120 रुपए में बेचे, डीजल अगर 60 रुपए था तो हमने 150 रुपए में बेचे, 100 रुपए में बेचे। अगर प्रत्येक घर से 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या अगर भारत की है तो हर घर में गैस सिलेंडर है, हर घर में गैस सिलेंडर है। 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या अगर प्रत्येक महीना अगर 500 रुपए दिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कि भारत के अंदर इतनी जनता से इतना ज्यादा पैसा लूट के धरे कहाँ, और आज हमको कहते हैं कि आप 1000 रुपए हमारी बहनों के दे रहे हैं। सम्मानित साथियों, 1000 रुपए जो हमें दे रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान महोदय जी से, क्या 50 एकड़ जमीन आपने अपनी खानदान की बेचे, क्या किसी नेता ने अपनी जमीन प्रॉपर्टी बेच के जनता को बांट रहे हैं? वही खजाना है जो गवर्नमेंट का, जो हमारे हक और अधिकार का पैसा आता है, वही जब कोई खजाना है जो आपको 6000 रुपए किसान निधि के माध्यम से आपकी बही और खसरा नक्शा सब उनके पास बही 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 धर के RBI बैंक से पैसा लोन लेकर 40000 करोड़ रुपए का अभी लोन ले लिया उनने। सम्मानित साथियों, वो लोन कर्जा किसके ऊपर है? आप और हमारे ऊपर। पहले कितनी महंगाई सस्ती थी, 200 रुपए में थैला भर के बाजार हो जाती थी, आज 200 रुपए में टमाटर और प्याज नहीं आ रही है। आप मुझे बताइए, 200 रुपए में टमाटर और प्याज नहीं आ रही, महंगाई आप देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, मैं तो धन्य करता हूँ जो माननीय कमलनाथ जी को भी और शिवराज सिंह चौहान को भी, दोनों के एक है सांपनाथ और एक है नेवलानाथ, ये दोनों भैया हैं। आदमी नाराज होता है तो भाजपा से कांग्रेस में चल जाता है, कांग्रेस से भाजपा में चल जाता है, लेकिन आज छिंदवाड़ा जिले की आप स्वास्थ्य व्यवस्था तुम देख लीजिए कि आज पूरे तामिया ब्लॉक हो, चाहे हर्रई हो, चाहे बटका हो, चाहे हमारे अमरवाड़ा हो, एक डॉक्टर तरीके से नहीं है, एक लेडीज डॉक्टर तरीके से नहीं है, बच्चों के डॉक्टर नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे बीमार नहीं होते। जब नेता और मंत्री के बच्चे और व्यापारी के बच्चे बीमार होते हैं तो सीधे नागपुर में इलाज कराते, वोट हम दें, राजा तुम बनो और तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़े और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और हमको डॉक्टर तक ना मिले। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से कि क्या गोंडमाना के बिना बदौलत आप विधायक बना सकते हो? तो आप निकालो मनमोहन सावट्टी जी की फोटो, उतारो पीले गमछा और आप अपनी काबिलियत में, आप अपने विकास के उसमें आप विधायक बन के बताओ, तब मैं उनसे आपको मानूंगा कि आप पीले गमछा डालकर विधायक बनना चाह रहे हैं। ये रणनीति हमारे गोंडमाना गणतंत्र पार्टी समझ चुकी है। देवरावन मलावी जी, तीतर की तरह, देवरावन मलावी जी, तुम्हारी जाल में हम तीतर की तरह फंसने वाले लोग नहीं है। आपने हमारे को, हमारी समाज का एक तीतर पाल के रखे हैं और उस तीतर को देखते हुए हमारा समाज तीतर की तरह इकट्ठा होकर वोट नहीं डालेगा। जवाब इस बार देवरामण भलावी जी को भारी से भारी बहुमतों से इस विधानसभा में ST SC OBC और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्या हमारे साथ इस बहुमत के साथ जुड़ा हुआ है। सिंगोड़ी से लगा के हर रही से लगा के और अमरवाड़ा से लगा के पूरा विधानसभा में अभी हम देवरामण भलावी जी के साथ में घूम रहा हूँ। जितना समर्थन अगर अभी देवरामण भलावी जी को मिल रहा है, ऐसा समर्थन किसी विधायक को नहीं मिल रहा है, ये मैं आखिर से देख रहा हूँ। आज पूरा SC भी इनके साथ है, पूरा मुस्लिम भाई भी इनके साथ है, पूरा पिछड़ा वर्ग इनके साथ है, और आज मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम अच्छी से अच्छी वोट से निकाल कर देवरामण भलावी को विधानसभा पहुंचाने वाले साथी। वही विश्वास के साथ आप 17 तारीख तक
भूखे प्यासे रहकर और अपना परिवार छोड़कर एक बार देवरामण भलावी के लिए काम कर लीजिए, विधानसभा पहुंचाने के लिए काम कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि देवरामण भलावी 5 साल आपके परिवार की पूरी गारंटी लेगा कि थाना कोर्ट कचहरी से लगा के स्वास्थ्य बिजली और आपके बच्चों को पढ़ाने की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की अच्छी व्यवस्था और आपके ऊपर कोई अन्य अत्याचार न कर सके, वो देवरामण भलावी आपके साथ गारंटी लेने आया है। और वही चुनाव आज है कल नहीं रहेगा, किसी भी चीज की साथ में देवरामण भलावी और हम लोग साथ में आंदोलन करेंगे जैसे वो पहले आंदोलन करते थे। हम चुनाव के साथ चुनाव के बाद फिर आंदोलन करके अपना काम पूरा करवाएंगे साथियों। इस विश्वास के साथ मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं पूर्व पार्षद दुर्गा वंश का अमरवाड़ा से कि भारी बहुमतों से अपने अपने रिश्तेदार को फोन लगाओ, अपनी खानदान के फोन लगाओ, अपने चाचा को फोन लगाओ, अपनी बहन को फोन लगाओ, अपने जीजा जी को फोन लगाओ और कहो कि जिस विधानसभा में आपके रिश्तेदार रहते हैं फोन के माध्यम से कि देवरामण भलावी जी का ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में तीसरे नंबर की बटन दबाकर भारी से भारी बहुमतों से विजय बनाने का काम कर रहे देवरामण भलावी, वो तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए आया है, तुम्हारे हक और अधिकार की आवाज उठाने आया है, तुम्हारे ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आया है। इसलिए देवरामण भलावी को लोकसभा विधानसभा में हमें पहुंचाना है। सभी रिश्तेदारों से एक ही अपील कि देवरामण भलावी का ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह में भारी से भारी बहुमतों से विजय बनाने की अपील करता हूं। और आप लोगों से एसटी एससी ओबीसी पिछड़ा वर्ग भाई और अल्पसंख्यक के भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने 40 साल कांग्रेस को दिया, 15 साल भाजपा को दिया, लेकिन आज भी तुम्हारे साथ अन्य अत्याचार होता है। एसटी एससी के भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देवरामण भलावी एसटी एससी की लड़ाई लड़ता है, देवरामण भलावी जी पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ता है, देवरामण भलावी जी अल्पसंख्यक की बात करता है, देवरामण भलावी जी अगर किसी मुस्लिम भाई के ऊपर अत्याचार होता है तो देवरामण भलावी लड़ाई लड़ता है। आप लोगों से सभी अपील करता हूं कि जो लोग भी जितने भी रिश्तेदार रहते हैं एक बार देवरामण भलावी का सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं देवरामण के ऊपर विश्वास है कि अमरवाड़ा का नक्शा चेंज कर देगा और देवरामण भलावी का एक सपना है कि अमरवाड़ा विधानसभा नशा मुक्त हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। वही संकल्प के साथ देवरामण भलावी इस विधानसभा में आया है। सब लोगों को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय सेवा। भलावी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भलावी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोर्ड हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोर्ड हमारी, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। देवरामण भलावी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमरवाड़ा विधायक कैसा हो, देवरामण भैया जैसा हो। जय सेवा, जय बड़ा दो, राज करेगा गोंडवाना। मनमोहन सा भट्टी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हीरा सिंह दादा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनमोहन सा भट्टी अमर रहे, अमर रहे,